वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आर के इलेक्ट्रिकल्स पर। आइए आज देखते हैं, ये बोस का एक एंगल ग्राइंडर है जिसको हम ऑनलाइन में परचेज किए थे फ्लिपकार्ट से। ये देखिए दोस्तों, ये बोस का ओरिजिनल आइटम है। इसका मॉडल है GWS 600। इसका बहुत ही डुप्लीकेट सामान भी आता है मार्केट में। ये देखिए, ये जो QR कोड दिया रहता है ये ओरिजिनल का निशानी है। इसको स्कैन करेंगे तो आएगा बोस का, ये देखिए, प्रोफेशनल GWS 600 मिनी ग्राइंडर और कोटर लिखा रहता है इसमें। ये दोस्तों MRP इसमें है 3,600 रुपया, जिसको कि हम ऑनलाइन में परचेज किए थे 1900 में। ये मार्केट में हमें 2500 2700 ऐसे रेट में मिलता है। ये इसका सील दिया रहता है इसमें, इसके बॉक्स के अंदर ऊपर। ये देखिए, इसमें हमारा एंगल ग्राइंडर और उसका कुछ स्पेयर पार्ट्स जो इसमें लगेगा असेंबल होगा। और ये इसका वारंटी कार्ड दोस्तों 6 महीने का दिया हुआ है, जिसमें कि कोई खराबी हो कुछ हो तो इसको इसका जो ऑथराइज डीलर रहते हैं ये सब काम करते हैं इसका। ये इसका मैनुअल पेपर दिया हुआ है इसमें, जिसके ऊपर की इसका सब स्पेयर पार्ट्स क्या कहाँ रहता है, क्या कुछ काम कर रहा है, ये सब लिखा रहता है इसमें। इसको तो दोस्तों कोई पढ़ता नहीं है ऐसे, हालांकि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं इसको। ये देखिए, ये इसका प्रोटेक्शन गार्ड है दोस्तों। ये जब ब्लेड लगेगा कुछ काम होगा तो हाथ को सेफ्टी के लिए ये दिया रहता है। ये देखिए, इसमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट करेंगे लगा के। ये देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है इसका कुछ सामान, जैसे कि ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी हैंडल जो ये ग्राइंडर में यहाँ लगेगा, इसको मदद से काम करेंगे। ये हो गया कॉम्बिनेशन स्पानर की, जिसमें कि ये जो क्लैंपिंग नट रहता है इसको टाइट करेंगे हम ब्लेड लगाने के बाद। और ये जो लगेगा ये स्पिंडल है बीच में, इस स्पिंडल के ऊपर ये रहेगा, इसके ऊपर ये वाला रहेगा। तो दोस्तों ये अभी एंगल ग्राइंडर को हम देखेंगे। ये देखिए, ओरिजिनल का कुछ निशानी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें एक QR कोड अंदर भी रहता है, जिसमें ये भी बॉस का ही निकलता है और ये लिखा रहता है बॉस लिमिटेड, बॉस का बेंगलोर का सॉरी। और इसको देखिए, ये जो बॉस लिखा रहता है इसमें ये डुप्लीकेट में नहीं रहेगा। और ये हो गया स्पिंडल लॉक बटन, जिसके मदद से हम स्पिंडल को लॉक कर सकते हैं और ब्लेड को टाइट करेंगे। ये हो गया ऑन ऑफ का स्विच, जिसके मदद से दोस्तों हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये हाथ के पास रहता है तो हमें आसानी होता है काम करने के लिए। और कुछ ग्राइंडर में ये नीचे दिया रहता है स्विच, वो वाला मत खरीदना दोस्तों, इसमें दिक्कत होता है। ये देखिए, प्रोटेक्टिव गार्ड हम लगा चुके हैं। ये जो रहता है इसके ऊपर ब्लेड रहेगा यहाँ, और ये सेफ्टी देगा हमारे हाथ को, ताकि ब्लेड टूट के भी हाथ में ना आए, और हाथ आएगा भी तो इसमें लग जाएगा, लग के सेफ रहेगा हाथ पहले दोस्तों। और एक दूसरा कटर में मेरा, ये देखिए, उंगली के पास एक कटिंग निशान है, ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा साथ एक बार। ये देखिए ऑन ऑफ स्विच, ये जो हैंडल रहता है इसको हमेशा यूज करना सही रहता है, दोनों तरफ ये लग सकता है लेफ्टी और राइटी के लिए। जिसको जिस हाथ में पकड़ना आसानी रहेगा उसी हाथ में इसको लगा के काम करेंगे। देखिए लेफ्ट में भी राइट में भी ये लग सकता है। और ये अभी हम दिखाएंगे आपको एक ब्लेड लगा के, ये लोहे कटने का ब्लेड है 4 इंची वाला। देखिए
ब्लेड थोड़ा टूटा हुआ है, हमारे पास नया ब्लेड अभी नहीं था तो इसी से ही हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब इसको हम चला के देखते हैं कैसे चलता है। ये देखिए रनिंग हो रहा है, ये रनिंग हो रहा है दोस्तों। ये इसमें हाथ रख के इसे काम करते हैं देखिए। और दोस्तों अभी हम इसको दीवार काट के थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए हम इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो दीवार काटना पड़ता है। ये 5 इंची वाला ब्लेड है तो दोस्तों इसमें वो सेफ्टी गार्ड नहीं लगेगा तो इसलिए इसमें हम हैंडल दे के काम करते हैं। ये हमारा मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, देखिए इसमें काउंट कर रहे हैं। 12 मोलर का बोर्ड लगेगा इसमें जो कि GI का बॉक्स है, इसलिए वो काट रहे हैं। देखिए कितने आसानी से काट रहा है और बारीकी से भी। दोस्तों हमेशा वाल दीवार काटने के लिए इलेक्ट्रिशियन हो तो आप 750 वाट का ग्राइंडर लीजिए, ये 600 का है वो अच्छा रहता है, इससे भी पावरफुल रहता है। ये कभी कभार हीटिंग इशू इसमें आता है पर 750 में वो नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। हमारे पास पहले से भी वो एंगल ग्राइंडर है, इसको थोड़ा सस्ते में मिला तो हम ले आए थे। ठीक है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा नए नए जानकारी वाला वीडियो आपको मिलता रहे और हम आपको जानकारी दे सकें, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ भी दिक्कत हो, क्वेश्चन हो तो हमें पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको आंसर के साथ नए वीडियो में दिखा देंगे।